बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल चिनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML के अंदर टेबल बनाना सीखेंगे कि हम लोग टेबल किस तरह से बनाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नेम मैं लिख देता हूँ table.html, और यहाँ पर हम लोग बॉयलरप्लेट लगा लेते हैं और इसका डॉक्यूमेंट में हम लोग लिख देते हैं टेबल। अब टेबल का कोड करने से पहले टेबल के बारे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि इसके बारे में आपको बता दूं कि टेबल्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, टेबल्स में क्या चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहले हम लोग अपना सर्वर चेक कर लेते हैं क्रोम कि हमारे पास जो है वो चल रहा है। हमारे पास जो है अपना टेबल का नेम का हमारे पास टाइटल पेज है वो आ गया। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग देंगे। हेडिंग में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं H3 और यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ माई टेबल, कंट्रोल एस, तो ये मेरे पास आ गया इट इज़ माई टेबल। अब टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने टेबल का एक टैग यूज़ करना है। टेबल का टैग यूज़ किया तो टेबल का टैग हम लोगों ने ओपन किया, टेबल का टैग हम लोगों ने क्लोज किया। अब हम लोग समझते हैं टेबल के बारे में कुछ। तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह का टेबल हम लोग जनरेट करेंगे। सबसे पहले ये देख लें, इस तरह का टेबल जो है हम लोग जो है वो जनरेट करेंगे, और इस तमाम टेबल का नेम टैग हम लोगों ने लिखा था, जिस तरह ये हमारे पास टेबल है इसका टैग हम लोगों ने लिखा जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास टेबल का टैग ओपन हुआ, टेबल का टैग क्लोज हुआ। अब इस टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक तो होती है टॉप जो हेडर होता है हमारे पास, यानी कि जो सबसे मेन पार्ट होता है ऊपर वाला हेडर, और नीचे वाली जो होती है उसकी बॉडी होती है, ये वाली, ये हमारे पास बॉडी होती है। जो नीचे वाली रोज होती है वो बॉडी, ऊपर वाली यानी कि हेडर हो गया, नीचे वाली हमारे पास बॉडी होगी। अब इसी तरह इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। हम लोग यहाँ पर अब दोनों चीज़ों को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टी हेड लिख दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने इस टी हेड के बाद क्या बनाना है, यानी कि अब हम लोगों ने ये चीज़ जो है वो क्रिएट कर ली, ये वाला जो हेड है वो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोगों ने बॉडी क्रिएट करनी है। बॉडी क्रिएट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर टैग यूज़ करेंगे एक बॉडी का। बॉडी का आप लोगों ने टैग यूज़ किया, तो अब हम लोग हमारे पास ये चीज़ें आ गई, हम लोगों ने अब बॉडी भी क्रिएट कर ली। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके हेडर्स के नेम, कॉलम के नेम डिफाइन करने हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रो है। रो को हम लोग जो है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रो को जो है TR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेड में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर हम लोग जो है वो TR लिखेंगे। TR लिखने के बाद हम लोग अब ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अब हेडर के अंदर रो भी क्रिएट कर ली। रो क्रिएट करने के बाद अब हम लोगों ने ये डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करने हैं, रो के अंदर इसके नेम रिप्रेजेंट करने हैं। अब वो किस तरह से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं टैग, इसका टैग होता है हमारे पास TH, ये हमारे पास इसका टैग है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल नेम लिखना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ नेम, मेरे पास ये नेम आ गया। इसको कंट्रोल सी करते हैं, 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मेरे पास नेम आ गया। नेम के बाद अब मैं चाहता हूँ कि एक शख्स का नेम चाहिए टेबल में। नेम के बाद उसके बाद मैं यहाँ पर सिटी कर देता हूँ, सिटी के बाद हम लोग जो है उसका मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। मोबाइल हम लोग तीन चीज़ ऐड करते हैं, जैसे आपको समझ आ जाएगी इन तीनों चीज़ों से हम लोगों ने तीन चीज़। अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अब यहाँ पर डिफरेंट टेबल्स के हेडर के कॉलम्स है वो डिफाइन कर लिए। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे, हमारे पास ये आ गया, नेम आ गया, सिटी आ गया और मोबाइल आ गया। अब हम लोगों ने ये हेडर तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, यानी कि हेड क्रिएट कर लिया टेबल का। अब टेबल की बॉडी क्रिएट करनी है, तो टेबल की बॉडी के लिए हम लोगों ने सेम एज TR लिखेंगे। TR क्या होता है, बेसिकली ये रो के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। TR लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने TR रो में क्या किया था, TH क्योंकि वो हेड था। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, TD क्या होगा, TD हमारे पास होगा इस सेल के नेम होंगे, इसके जो हमारे पास रो है ये इसके नेम होंगे TD। अब हम लोगों ने यहाँ पर अब फर्स्ट मैं लिखता हूँ अपना नेम, लिखता हूँ मैं यहाँ पर बिलाल, कंट्रोल एस करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा बिलाल, यानी कि नेम के खाने में मेरे पास जो है ब्लॉक में ये आ गया बिलाल। अब उसके बाद सिटी में अपनी लिखने के लिए इसको कॉपी करूँगा और जितने मेरे कॉलम है उतनी बार इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। मेरी सिटी जो है वो RY के,
और मेरे पास जो है मोबाइल नंबर मेरे पास होगा, मैं रेंडमली कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मोबाइल नंबर है, अब कंट्रोल एस किया तो मेरे पास ये आ गया टेबल बिलाल RYK 12345। अब मैंने हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर हम लोगों ने अब इसकी बॉडी भी क्रिएट कर ली, यानी कि बॉडी के अंदर डाटा भी सेट कर दी, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर आ गया नेम, आ गया नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर जो सिटी है, सिटी के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर मोबाइल है। अब मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा था बिलाल, सिटी लिखी थी यहाँ पर मैंने RYK, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखा था 1234। इस तरह हम लोग अब डाटा मजीद फर्दर जो है उसको फिलअप करेंगे। फिलअप करने के लिए हम लोग अब याद रखना, ये तो हम लोगों ने एक रो फिल कर ली बिलाल RYK 1234। अब नेक्स्ट के लिए हम लोगों ने इस TR को दोबारा लिखना है, ये नहीं होगा कि हम लोग जो है वो यहाँ पर और लिख देंगे, नहीं, ये तो ये जस्ट एक रो ने अपना डाटा जो इंसर्ट किया। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C और इसको जो हम लोग जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग ने यहाँ पर पहले बिलाल लिखा था, अब मैं यहाँ पर जो है वो अब्बास लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर नेम कर दिया अब्बास। अब मैं सिटी जो है इसकी सिटी चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिरोजा कर देता हूँ। अब इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, और Ctrl+S करूँगा तो मेरे पास जो है वो आ गया अब्बास फिरोजा, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब सेम मैथड में इसी को दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करूँगा तो मेरे पास ये नेम आ जाएंगे, यानी कि टेबल आ गए। अब आप देखेंगे कि पिक्चर में तो बहुत अच्छा सा टेबल दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर इतना इस तरह का क्यों टेबल है, ये इसी वजह से क्योंकि हम लोगों ने CSS यूज़ नहीं की। हम लोग CSS जब यूज़ करेंगे तब हम लोग इसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, इसको ग्रिड बनाएंगे, इसकी लाइनिंग वगैरह दिखाएंगे, हर चीज़ हम लोग शो करेंगे। तो ये था सिंपल सा टेबल क्रिएट करने का मैथड। तो अब ये कलरिंग वगैरह करना, ये हम सारा CSS का काम होता है, मैंने पहले दिन भी बताया था कि HTML में जस्ट ये डाटा इंसर्ट कर दिया, डाटा तो हमारे पास अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि उसने अब CSS की मदद से हम लोग इसके अंदर बॉर्डर्स लगाएंगे, इसके सारे क्रिएट करेंगे और हम लोग इसको टेबल को बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपको आज का लेक्चर जब समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह HTML के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।